तो क्या हाल चाल है आपके? हुवावे को भले ही अमेरिका बैन कर दे, यूएस बैन कर दे, इंडिया में भले ही इसके संकट के बादल छाए रहें, लेकिन यूरोप में अभी भी ये मेहरबान है। आपको बता दूं, यूरोप में हर एक महीने कम से कम 3 या 4 स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं। यूरोप में बहुत सारी कंट्री हैं, तो उधर जैसे रसिया हो गई और बहुत सारी कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हुवावे हमेशा मेहरबान रहता है। आपको बता दूं, पिछले हफ्ते ही P40 सीरीज को यूरोप में लॉन्च किया था हुवावे ने। फिलहाल आज एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है हुवावे पी स्मार्ट 2020 2021। आपको बता दूं, इसका जो मेन हाईलाइट पार्ट है उसमें किरिन का 710F वाला प्रोसेसर है। प्राइस जो इसकी रखी गई 4 128 GB की एक इन सिंगल स्टोरेज ऑप्शंस है, जिसमें 19,700 के आसपास इसकी प्राइस रखी गई है। हालांकि अगर मैं इंडिया में, अगर मान लूँ एक मिनट के लिए कि इंडिया में अगर लॉन्च होगा, तो अगर इंडिया में अगर ये लॉन्च होगा तो कम से कम इसकी प्राइस जो होगी वो 14 या 15 हज़ार के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो हमेशा स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, वहाँ पे प्राइस क्या होता है, मेजोरिटी ज़्यादा हाई होती है। तो अगर इंडिया में आएगा तो इस हिसाब से होते। फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई हिंट या कोई चांस नहीं दिए जा रहे हैं कि इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में लॉन्च होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना उम्मीद ज़रूर है कि आने वाले टाइम में, लास्ट तक 1-2 महीने तक, हुवावे के 2-4 स्मार्टफोन इंडिया में ज़रूर हमें देखने को मिल सकते हैं, दर्शन हो जाएंगे, वो भी मेड इन इंडिया वाले। बाकी अगर मेड इन चाइना है तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सीधा सीधा कह चुकी है कि भैया मेड इन इंडिया से अगर आना है तो आ जाओ, नहीं तो टाटा बाय बाय। अगर इस फीचर्स की बात करें इस वाले स्मार्टफोन के, तो 6.67 इंच के एक फुल एच डी प्लस की एक LCD वाला डिस्प्ले है। क्रीन 710F वाला प्रोसेसर दिया है। 4 128 GB इंटरनल स्टोरेज सिंगल प्राइस है। 48+8+22 क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। 8 मेगापिक्सल का एक इसमें फ्रंट कैमरा दिया है। बाकी 4100 mAh की बैटरी है, सॉरी 5000 mAh की बैटरी है, और 22.5 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग का इन द बॉक्स चार्जर है। सपोर्ट भी इतना ही दिया है, इससे ज़्यादा नहीं है, 30 वॉट की सपोर्ट दिया है, लेकिन बॉक्स में 22.35 वॉट का एक चार्जर मिल रहा है। एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। बाकी इसमें आपको हुवावे की हाई वाली जो कस्टम स्किन UI होती है वो इसमें दी गई है। फीचर्स तो मुझे अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे। जो प्राइस वहाँ पे रखी गई था, वहाँ की कंट्री के हिसाब से मुझे प्राइस ठीक लगी, लेकिन अगर इसे यहाँ इंडिया के हिसाब से अगर जज किया जाए तो ज़्यादा प्राइस है। लेकिन अगर इंडिया में लॉन्च होगा तो आई थिंक शायद ये करीब 13-14-15 के आसपास होते हैं। हालांकि हुवावे के फ़ोन भी बढ़िया होते हैं, उनमें जो बस फ़र्क सिर्फ क्या है कि हुवावे को बैन कर रखा है US ने, तो इसमें गूगल का सपोर्ट यानी GMS सर्विस, गूगल मोबाइल सर्विसेज देखने को नहीं मिलती हैं। जो फीचर्स प्रोवाइड किए हैं उसके हिसाब से तो मुझे ठीक लगा, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं बोल सकता फ़ोन के, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लेकिन अगर वहाँ यूरोपियन प्राइस के हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे ठीक लगा। अगर इंडियन के हिसाब से, इंडिया प्राइस के हिसाब से मैं इसे कन्वर्ट करूं, जो करंट में मार्केट का सिनेरियो चल रहा है 2020 में कंपटीशन, उसके हिसाब से मुझे ओवर प्राइस लगा। फीचर्स भी इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। बाकी हालांकि 48 मेगापिक्सल का इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया, लेकिन एक कैमरा सेंसर ही जज नहीं करता, बाकी पूरे फ़ोन की ओवरऑल वो भी चीज़ें होती हैं जो पूरा स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस है, बैटरी का पावर बैकअप है, और इसके बाद फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, फिर डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, ये सब आज सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम जज कर सकते हैं कि स्मार्टफोन कैसा है। अगर यूरोपियन कंट्री के हिसाब से देखूँ तो मुझे परफेक्ट लगा चीज़ें, बाकी अगर इंडिया के हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे परफेक्ट नहीं लगी चीज़ें, और मैं कंसीडर भी नहीं कर सकता इसे कि आप इसे ले लो या रिकमेंडेड कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, हुवावे के फ़ोन में केवल एक ही प्राइवेसी का इशू है, उसकी वजह से मैं बोल भी नहीं सकता किसी को कि आप हुवावे के स्मार्टफोन परचेज करो। बाकी अगर मैं एज ए टेकी हिसाब से देखूं तो मुझे फ़ोन ठीक लगा, लेकिन अगर मैं कंसीडर के हिसाब से देखूं तो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइवेसी का कंसर्न हमेशा होता है। क्या होता है कि हम GMS को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, गूगल मोबाइल सर्विसेज पर हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा प्राइवेसी का एक इशू होता है, मुद्दा होता है, वो बहुत हद तक गूगल में सिक्योर होता है। गूगल हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, लेकिन बाकी सर्विसेज हैं वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, तो हुवावे पे इतना ज़्यादा हम ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने प्राइवेसी कंसर्न्स को लेके। तो बस इतना सा था इस वाले वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। बाकी अगर इस वीडियो से आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम मिल जाऊँगा, वरना थोड़ा सा वेट करो,
मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग चाइना।